स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट पर। इस चैनल पर हम बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियो, नए नए आइडियाज़ डालते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बिजनेस के ऊपर, ये इसमें टॉपिक है अपना जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे शुरू करें, या जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब बिना कोई पैसा लगाए जो अपने पास पहले से पर्याप्त साधन है, जो जो अपने में पहले से कला है उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, और जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिजनेस है आपका नो इन्वेस्टमेंट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो है आपका मीशो। मीशो ऐप आपने सुना होगा, जिसपे कपड़े, कोई जो वस्तुएं हैं पेशनरी डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है, उस पर आपकी आईडी बन जाती है और जो भी इसमें कोटेशन होता है वो अपने रिलेटिव को, किसी भी मिलने वाले को शेयर करना होता है अगर वो, और रेट भी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं इसमें। और जैसे आप व्हाट्सएप पे इन पे शेयर कर सकते हैं कोटेशन को, अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है आपसे तो आपका उसमें फिक्स कमीशन होता है, उसमें आपको कोई झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। न तो आपको माल पैक करना है, न आपको कोरियर करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको शेयर करना है कोटेशन को और उसकी डिज़ाइन को। तो आपको बाकी जो भी आप पर पीस कमीशन लेना चाहते हो, 20 रुपये 50 रुपये, वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये है मीशो का बिजनेस। बाकी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर अदर वीडियोस देख लीजिए, अगर आप बिल्कुल जीरो है इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट बिजनेस मैंने बताया आपको मीशो ऐप। कौन सा ऐप? मीशो ऐप, MESHO, मीशो। ठीक है, सर्च कर लेना और मिल जाएगी आपको जानकारी। दूसरा बिजनेस है यूट्यूब। आप जैसे हम चैनल बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, इसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेटिव जो भी आप में कला है उस तरह का वीडियो बना करके और यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको आपका चैनल चलने लगेगा, लगभग 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे होना चाहिए, उसके बाद आपका कमाई स्टार्ट हो जाएगा। ये हुआ कुछ टाइम आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, जैसे 6 महीने तक, 12 महीने तक, अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते हो और लोगों को आपका वीडियो पसंद आता है तो आपको उस पर कमाई होती है अच्छी खासी, 2, 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, अगर वीडियो अच्छा चल जाए तो 1 लाख, ऐसा कुछ उसमें होता है। ठीक है, उसमें 45-55 ऐसा रेशियो रहता है, जो भी कमाई होती है उसमें कुछ हिस्सा यूट्यूब लेता है, कंपनी लेती है, और कुछ अपन हिस्सा अपन को दिया जाता है। तो इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल सभी के पास होता है, वीडियो भी मोबाइल से बनाना है, बाकी नेट से भी डलवाते ही है, तो नेट भी होता ही है सभी के पास। तो दूसरा बिजनेस हो गया आपका यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप शिक्षा से रिलेटेड हो तो टीचिंग के वीडियो बना सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना सकते हो, पर जिस भी सब्जेक्ट पर आप वीडियो बनाएं पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट पर बनाएं, हर बार अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो नहीं बनाएं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, मान लो आज आपने बता दिया कि चाय कैसे बनाई जाती है, ठीक है, और कल आपने ये बता दिया कि स्प्लेंडर जो बाइक है उसका माइलेज कैसे है, तो वो दोनों सब्जेक्ट अलग हो गए, वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, तो उससे आपका चैनल कम चलेगा। तो जो भी आप चैनल बना रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बनाइए, उसी प्रकार के वीडियो उसमें डालिए। ठीक है, ठीक है, अब अगला बिजनेस है अपना वेबसाइट बनाना या ब्लॉग बनाना। अगर आप कोई राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिख सकते हो, अच्छी जानकारी दे सकते हो, तो आप एक ब्लॉग बनाइए। ब्लॉग कैसे बनाते हैं वही मैं कहना चाहूँगा, वापस से वीडियो देखिए, यूट्यूब पर सब जानकारी में आपको मिल जाएगी। ब्लॉग कैसे बनाएं ये आप सर्च कीजिए, कैसे बनाते हैं, क्या अमाउंट लगता है, फ्री ब्लॉग भी बनता है, उसके बाद पेड ब्लॉग भी बनता है। तो आप स्टार्टिंग में फ्री ब्लॉग बना करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर भी। कैसे, जैसे मान लो आपको मैंने सर्च किया अभी कि कोई भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, उसकी
एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो उसके ऊपर ब्लॉग बना दिया आपने, अपनी तरफ से डाल दिया जो भी जानकारी है वो डाल दिया, तो आपका धीरे धीरे ये वो चलने लग जाता है, ठीक है, चैनल चलने लगता है, सॉरी वेबसाइट चलने लग जाती है, उस पर जो एड आने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे, तो वही एड का पैसा आपको इसमें मिलता है। अगला जो बिजनेस है अपना फ्रीलांसर, फ्रीलांसर वेबसाइट्स होती है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फ्रीलांसर वेबसाइट्स मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, जैसे मान लो अमेरिका है, कहीं पर भी इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास कर्मचारी नहीं होते हैं और उसको कोई काम करवाना होता है, तो ये लोग फ्रीलांसर वेबसाइट पर अपना काम डाल देते हैं कि मेरे को ये काम करके देना है, मैं इस काम के इतने रुपए दूंगा, तो वो काम अगर आप लेते हो तो उसको पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो आपको कोई सब्जेक्ट पर लोगो बनाना है, अगर आपको लोगो बनाना आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, उसमें लिखा होता है कितना पैसा मिलेगा, तो ये फ्रीलांसर का काम है, इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगला बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे मान लो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो वेबसाइट्स है इनमें एफिलिएट करके एक प्रोग्राम होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है उस पर आप अपना उसको अगर आप बेचते हो, आपके थ्रू बिकवाते हो किसी से, आप लिंक शेयर करना होता है उसमें, जैसे आप लिंक शेयर करते हो, अगर वो वस्तु खरीदता है तो आपको 5-10% जितना भी कंपनी डिसाइड करती है वो कमीशन आपको मिलता है, ठीक है, तो उससे भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो ये बिजनेस थे हमारे, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस थे, मैं एक बार और आपको काउंटिंग करा देता हूँ, ठीक है, मीशो ऐप वाला बिजनेस, यूट्यूबर वाला बिजनेस, ठीक है, वेबसाइट या ब्लॉग बना करके आप काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर के वाला काम कर सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग का आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के ऊपर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपन अगली जानकारी के साथ, बिजनेस इन्फॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।